हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन करी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में चिकन करी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए आज हम घर पर ही बहुत ही यम्मी सी चिकन करी की रेसिपी बनाते हैं, जो सबसे आसान होगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी ये रेसिपी। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 किलो के करीब चिकन लिया है और चिकन हमें बिल्कुल फ्रेश लेना है। और तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, चिकन को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर है ना, मतलब खूब सारी डर्टी प्रोडक्ट होते हैं, डर्टी चीज़ें होती हैं, जैसे बाल वगैरह हुआ और भी बहुत सारा कचरा होता है इसके अंदर। तो वो हमें बिल्कुल क्लीन करना है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, एक एक पीस को हाथ में लेके और अच्छे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो मटन से ज़्यादा चिकन को वॉश करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मटन में इतना कचरा देखने को नहीं मिलता जितना चिकन में मिलता है। चिकन में बहुत ज़्यादा कचरा होता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, घर पर खाइए चिकन बना के, मेरे हिसाब से बाहर का चिकन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर जैसे होटल में क्या होता है, ऐसे ही बना देते हैं वो, और इसमें बहुत मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो हटा देना है। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची कट कर ली है, और मसालों में देखें तो धनिया पाउडर लिया है 3 चम्मच के करीब। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, क्योंकि सर्दियों में हम डाल देते हैं, वैसे नहीं डालते हैं, खड़े मसाले बिल्कुल ऑप्शनल हैं अगर आप डालना चाहो तो, बट मैं आज खड़े मसालों को यूज़ में लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर लगभग तेल डाल देंगे 2.5 चम्मच के करीब, वैसे वेट के हिसाब से देखें तो 2.5 ml के करीब हम तेल डाल देंगे, और तेल को हम अच्छे से कर देंगे, मतलब गर्म होने देंगे तेल को अच्छे से। फ्रेंड्स, कुकर के अंदर ही बना रहे हैं आप, चाहे तो कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हो, बट क्या है कुकर के अंदर थोड़ा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं कुकर के अंदर ही बना रही हूँ। ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद में मैंने इसके अंदर खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसालों में देखें तो जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, तेज़पत्ता है, ये चीज़ें हैं, ये इलायची भी है इसके अंदर। और खड़े मसालों के पकने के बाद में हमने इसके अंदर कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, और प्याज को बिल्कुल हल्का ब्राउन कर लेना है, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक कि प्याज का कलर, प्याज को अच्छे से फ्राई करते रहना है। बहुत टेस्टी बनती है चिकन करी घर पे अगर बना के खाएँ तो, और बहुत ही आसान सा तरीका है, मेरे शायद से इतना आसान तरीका आपने नहीं देखा होगा अभी तक। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो आप घर पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से चिकन बना के खा सकोगे। और हरी मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, और आप देख पा रहे होंगे लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि लहसुन को फ्राई करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और इस उसी फ्लेवर की वजह से हमारी जो मटन करी है, सॉरी चिकन करी है, वो बहुत टेस्टी बन जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और मटन भी आप जब भी बनाओ तो इसी तरीका, यही तरीका रखना मटन बनाने का भी। तो ये देखिए, हम इसके अंदर मसालों में देखें तो मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। हल्दी को हमें पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है हल्दी से। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा जो है चिकन, तो चिकन को हमने वॉश करके पहले ही रख लिया था, मैंने आपको दिखा दिया था, और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन, स्टेप बाय स्टेप पूरा चिकन जाएगा कुकर के अंदर, और करेंगे बाद में आगे की प्रोसेस। तो हमारे वीडियो में आप लगातार इसी तरीके से बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी चिकन करी। और इस कड़ाके की ठंड में आप भी चिकन करी का मज़ा ज़रूर लेना, बना के ज़रूर खाना, अपनी फैमिली को भी खिलाना, बहुत ही अच्छा बनता है, और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान सा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हल्दी का कलर है, नमक का टेस्ट है, और ऑयल का जो ऑयल में अच्छे से कोट हो जाए चिकन का हर पीस। और चिकन को हमें फ्राई करना है, यहाँ पे आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि चिकन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि चिकन के अंदर खूब सारा पानी होता है, तो जब तक चिकन अपना पानी रिलीज़ नहीं कर देता, हमें चिकन को अच्छे से पका लेना है गैस का फ्लेम मीडियम करके। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने ऐसे ही इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था, वैसे सीटी नहीं लगवानी है, ऐसे ही लगाना, ताकि मटन के अंदर ओवरऑल पानी होता है वो मटन अपना पानी रिलीज़ कर दे,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटन के जो पीस हैं वो हार्ड हो गए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें जो पानी था वो भी मटन ने अपना पानी कुछ पानी रिलीज़ कर दिया है। वैसे पूरा तो नहीं हुआ लेकिन कुछ पानी रिलीज़ कर दिया, आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो ये देखिए मटन के पीस हैं वो भी थोड़े कड़क सी हो गए हैं, पहले तो लचीले से थे लेकिन अभी ये कड़क हो गए। और ये देखिए ये पानी है पूरा मटन का, चिकन का पानी है। मुझे मटन का नाम आ रहा बार बार में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी के मसाले। तो मसालों में देखें तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। लाल मिर्च 2 से 2.5 चम्मच के करीब ली है, क्योंकि बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है लाल मिर्ची भी, ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि कई लोग तीखा खाते हैं कई लोग फीका खाते हैं, उसके हिसाब से। और जितनी आप लाल मिर्ची पाउडर लो उतना ही आप धनिया पाउडर लेना बस। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मसालों को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया है मिक्स। तो बस फ्रेंड्स, मसालों के अच्छे से कोट हो जाने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे गर्मा गर्म पानी। लगभग 1 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर गर्मा गर्म पानी डाल दिया है, और पानी को भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही टेस्टी हमारी जो चिकन करी है वो बनके यहाँ पे रेडी होगी। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही जल्दी हमारी जो चिकन करी है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो बस हमने उस पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने इसके अंदर गर्मा गर्म 1 गिलास पानी और डाल दिया है। और गर्म पानी डालने से क्या होता है, जो लेवल है दोनों का टेम्परेचर लेवल तापमान वो सेम रहेगा। अगर ठंडा डाल देंगे तो टेम्परेचर लेवल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चिकन पकने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, टेस्ट भी इसमें भी फ़र्क पड़ता है अगर आप ठंडा पानी डालते। तो मेरे हिसाब से आप गर्म पानी डाला, मैंने इसके ऊपर पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ढक्कन लगा दिया था। और सिर्फ 3 ही सीटी लगवाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा सीटी नहीं लगवानी, क्योंकि चिकन में ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन है वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसके लेग पीस के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चिकन है बिल्कुल तैयार हो चुका है, पक चुका है। और वैसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मतलब पीस निकाल के देख लेंगे, अगर पका है तो ठीक है, अगर नहीं पकाना तो आप इसको थोड़ा सा और पका लीजिए। तो बिल्कुल हमारी यहाँ पे ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है और चिकन भी परफेक्ट है। आपको पता लग रहा होगा जैसे ग्रेवी पतली है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे चिकन ठंडा होगा वैसे वैसे ग्रेवी थोड़ी अच्छी हार्ड होती जाएगी। तो ऊपर से डाल देंगे कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ, और हमारी बहुत ही लाजवाब सी चिकन करी बन के यहाँ पर रेडी हो चुकी है खाने के लिए तैयार। तो आप भी फटाफट इस तरीके से चिकन करी बनाइए, किचन में जाइए और फटाफट से चिकन करी बनाइए। तरीका आपने देख ही लिया, बहुत ही आसान है। चाहो तो लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला है, मटन मसाला या फिर चिकन मसाला डाल सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बट हमने खड़े मसाले डाल दिए तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर, लेकिन अगर पसंद है तो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।